मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। बाइक सवार तीन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया, जहां हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। शर्मा पेट्रोल पंप के नोजल मैन में लूटपाट हुई थी, जहां चकिया केसरिया मुख्य मार्ग से राजपुर शर्मा पेट्रोल पंप की घटना ये आपको बता रहे हैं, जहां लूट की घटना को लेकर सीसीटीवी फुटेज पुलिस लगातार खंगाल रही है। साथ ही सूचना पर पहुंचे एएसपी सार्थ आरएस मामले की जांच में लगातार जुटे हैं। तो मोतिहारी से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां बाइक सवार तीन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है, लूट की घटना को अंजाम दिया है, जहां पेट्रोल पंप पर एक बड़ी लूट अपराधियों के द्वारा की गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है और लगातार अब जांच की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन अपराधियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां पर लगातार देखा जाए तो कहीं ना पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बेखौफ अपराधी लगातार तांडव करते मोतिहारी में नजर आ रहे हैं, जहां बाइक सवार तीन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया, हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां शर्मा पेट्रोल पंप के नोजल मैन से लूटपाट हुई थी। साथ ही चकिया केसरिया मुख्य मार्ग में राजपुर शर्मा पेट्रोल पंप की घटना है, जहां लूट की घटना को लेकर सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के द्वारा लगातार खंगाले जा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं पवई की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजा पटेरिया प्रधानमंत्री की हत्या के बयान में गिरफ्तार हो चुके हैं। लगभग 25 से 30 लोगों की टीम ने हटाग्रह ग्राम से उनको गिरफ्तार किया है, साथ ही घर से गिरफ्तारी उनकी की गई है। लगभग 7 बजे पवई थाने लाया गया है, साथ ही कांग्रेसी नेता सहित पुलिस थाने में मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां राजा पटेरिया की गिरफ्तारी उनके गृह ग्राम से हो चुकी है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता संदीप खरे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संदीप, राजा पटेरिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है, साथ ही कांग्रेस के तमाम नेता भी मौजूद है, कैसी स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? जी अनुपमा जी, मैं बता दूं, आज लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच पुलिस ने उनको गृहग्राम हटा से उनके घर से गिरफ्तार किया है जी। उसके बाद उन्हें पवई लगभग 7:30 बजे लाया गया, जहां उन्हें थाने में रखा गया है। इसके बाद उनका अभी शासकीय हॉस्पिटल पवई में उपचार चल रहा है, मतलब देखा जा रहा है, उनका चेक किया जा रहा है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, उनको अभी अस्पताल में लाया गया है जी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए।